आपके बहुमूल्य सुझाव हेतु आभार। सर, केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 AFS गुड़गांव की आदित्य श्रीवास्तव अपनी जिज्ञासा आपके सामने रखना चाहती हैं। आदित्य, आप अपना प्रश्न पूछें। नमस्कार महोदय, मेरा नाम आदित्य श्रीवास्तव है और मैं केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 वायुसेना गुरुग्राम की छात्रा हूँ। महोदय, मेरा आपसे यह प्रश्न है कि इस वर्ष बोर्ड परीक्षाओं के लिए हमारे सभी विषयों का सिलेबस कम कर दिया गया, जिसकी वजह से हम कई विषय वस्तु नहीं पढ़ पाए हैं। तो मैं यह पूछना चाहती हूँ कि क्या हटाए गए विषय वस्तु से संबंधित प्रश्न हमारे आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं में हमसे पूछे जाएंगे। धन्यवाद। आपने बहुत अच्छा आदित्य अपने प्रश्न पूछा है, क्योंकि बहुत सारे जेई और नीट के परीक्षाओं में बैठने वाले छात्रों के मन में ये विचार आता है कि जो 30% कोरोना काल में हमने पाठ्यक्रम को कम किया है, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो पाठ्यक्रम कम हुआ है उससे भी प्रश्न आएंगे जिसका फिर उत्तर दे सकना आपके लिए बहुत मुश्किल रहेगा, संभव नहीं होगा। इसीलिए जब जेई की और नीट की परीक्षाएं होंगे तो अभी जो कम किया गया है पाठ्यक्रम, वो जो प्रश्न है उनकी सीमा 100 से 150 तक बढ़ा दी जाएगी, और वो जो पाठ्यक्रम 30% का कम हुआ है उन्हीं सभी प्रश्नों के अंदर अंदर वो समाहित होगा। तो इसलिए आपको किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपका जो कम हुआ है पाठ्यक्रम उसी से आपको सब प्रश्न मिल जाएंगे। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, अब मैं गुवाहाटी संभाग के केंद्रीय विद्यालय खानापारा कक्षा 11वीं की साथी वर्षिता मिश्रा को प्रश्न पूछने हेतु आमंत्रित करती हूँ। प्रणाम, मैं वर्षिता मिश्रा केंद्रीय विद्यालय खानापारा गुवाहाटी से कक्षा 11वीं की छात्रा हूँ। आदरणीय महोदय, जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत ने कोरोना से डटकर मुकाबला किया और हमारे देश का रिकवरी रेट पूरे विश्व में सबसे अधिक है, परंतु फिर भी महोदय, विद्यालय जाने को लेकर हमारे माता पिता के मन में कुछ संशय है, तो आप सभी माता पिताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? वर्षिता।